थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आप हमारे साथ कनेक्ट हुए. तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, पिछली वीडियो में आपने कहा था प्लस नंबर लगता है, माइनस नंबर लगता है, ये सिलेंड्रिकल नंबर्स कौन से होते हैं? करना होता है एक्चुअली स्पीकिंग, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नंबर्स. हम ये जानते हैं प्लस के नंबर, माइनस के नंबर, ऐसे नहीं. तीन कैटेगरीज ऑफ नंबर्स. एक वो जो आई बॉल की लेंथ से रिलेटेड होते हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं, वो माइनस में भी हो सकते हैं. दूसरे वो जो आई बॉल की ग्रोथ तो हो गई, एक जगह रुकी, लेकिन उसके सामने कॉर्निया है और पीछे रेटिना है. कॉर्निया से आई लाइट एंटर कर रही है, रेटिना पे फोकस हो रही है. तो जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नॉर्मली उसका कर्वेचर ऊपर से नीचे, यानी एक्स टू वाई, और वर्टिकल कर्वेचर और हॉरिजॉन्टल कर्वेचर, ये दोनों कर्वेचर अगर बिल्कुल सेम होते हैं तो हम उसको परफेक्ट स्फीयर बोलते हैं. स्फीयर का मतलब इट इज अ पार्ट, कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ अ बॉल स्फीयर. लेकिन कभी कभी वो कॉर्निया इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर इन अ परफेक्ट वे, रादर इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेंडर, क्योंकि उसकी एक शेप तो बहुत अच्छी राउंड है, दूसरी में गोलाई का फ्लैटनेस ज्यादा है. दिस कैन बी इन दिस एंगल, दिस कैन बी इन दिस एंगल, दिस कैन बी इन अदर इन बिटवीन एंगल्स. सिंपल शब्दों में कॉर्निया की शेप अगर चारों तरफ से एक जितनी गोलाई वाली है तो नंबर लेंथ की वजह से ही आएंगे और दूसरा कोई टाइप ऑफ नंबर नहीं होगा. वो या प्लस में होगा या माइनस में होगा. आई बॉल छोटी है तो प्लस में होगा, आई बॉल नॉर्मल से बड़ी है तो माइनस में होगा. लेकिन अगर इसकी कॉर्निया की शेप में गोलाई में डिफरेंट एंगल्स पे गोलाई डिफरेंट आ जाती है, यानी वर्टिकल में गोलाई इतनी है, हॉरिजॉन्टल में गोलाई थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज्यादा है, तो वी कॉल इट इन आवर लैंग्वेज स्टीप एंड फ्लैट कॉर्निया इन अ पर्टिकुलर एंगल. या ज्यादा उठा हुआ है या ज्यादा फ्लैट है. जिस जगह पे वो ज्यादा उठा हुआ है वहां पे माइनस का सिलेंड्रिकल नंबर आता है, उसको हम एस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं, टेढ़ा नंबर भी बोलते हैं, एंगल्ड नंबर भी बोलते हैं. तो अगर वो ज्यादा उठ गया तो माइनस में चला जाएगा, वो फ्लैट हो गया तो प्लस में चला जाएगा. सो जो स्फेरिकल नंबर्स हैं या नॉर्मल नंबर्स हैं जो टेढ़े नहीं होते, वो लेंथ की वजह से होते हैं. लेंथ ज्यादा तो माइनस, लेंथ कम तो प्लस. जो सिलेंड्रिकल नंबर्स होते हैं वो शेप ऑफ कॉर्निया की वजह से होते हैं. शेप उठी हुई है ज्यादा तो माइनस, शेप फ्लैट है तो प्लस. बिल्कुल. अब अच्छी बात ये है कि जो सिलेंड्रिकल नंबर्स होते हैं इनकी स्पीड ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा यूजुअली नहीं होती. जिस पीरियड में लेंथ बढ़ती है उस पीरियड में लेंथ कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन कॉर्निया की शेप जो है वो ओवर मेनी मेनी ईयर धीरे धीरे स्लो ग्रोथ करती है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू कंडीशंस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इसमें आता है कि किसी के अंदर जो प्लस और माइनस के लेंथ बेस्ड नंबर्स हैं या कॉर्निया की शेप बेस्ड नंबर्स हैं, क्या ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं? जी जी सर, बिल्कुल. क्या किसी को स्फेरिकल नंबर है स्फेरिकल ही रहेंगे, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल ही रहेंगे. द आंसर इज ऑल द फोर कॉम्बिनेशंस कैन को एग्जिस्ट. जैसे कि अगर एक नंबर लेंथ बढ़ने की वजह से है तो वो माइनस का नंबर है, इधर से शेप फ्लैट है तो प्लस का नंबर है, तो माइनस का स्फेरिकल और प्लस का सिलेंडर आ सकता है. इधर से शेप कम है तो प्लस का नंबर है, और इधर से शेप उठी हुई है तो माइनस का नंबर है, तो प्लस का स्फीयर और माइनस का सिलेंडर आ सकता है, यानी माइनस का प्लस का स्फीयर और माइनस का सिलेंडर आ सकता है. इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर शेप ज्यादा बड़ी है तो माइनस का स्फीयर आ गया, और इधर से कॉर्निया भी उठा हुआ है तो माइनस का स्फीयर और माइनस का सिलेंडर आ सकता है. शेप छोटी है तो प्लस का स्फीयर, और फ्लैट है तो प्लस का सिलेंडर, तो प्लस का सिलेंडर और प्लस का स्फीयर भी आ सकता है. सो प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये चारों कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं इन द सेम इंडिविजुअल.